हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों। प्रीवियस क्लास में हम लोग रिएक्शंस स्टार्ट कर लिए थे, दैट इज फ्रॉम कॉम्बिनेशन टू डिकम्पोजिशन। आई थिंक हम लोग ना डिकम्पोजिशन को स्टार्ट किए थे। जैसा कि आप लोग प्रीवियस लेक्चर अटेंड किए होंगे तो आपको ये पता होगा कि इन डिकम्पोजिशन रिएक्शन देर आर थ्री टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फर्स्ट वन इज थर्मल डिकम्पोजिशन, सेकेंड वन इज क्या था, फोटोकेमिकल, ओके, एंड लास्ट वन इज इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इन तीनों के बारे में मैंने आपको ब्रीफ आइडिया दिया था कि व्हाट इज थर्मल डिकम्पोजिशन, व्हाट इज फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन एंड व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। और हम लोग स्टार्ट किए थे थर्मल वाले पार्ट को, हम लोग स्टार्ट कर लिए थे। थर्मल में मैंने आपको तीन सब्सटेंस का हीटिंग बताया था। फर्स्ट फेरस सल्फेट FeSO4.7 वाटर, आपको याद होगा जब उसको हम हीट किए थे फर्स्ट ऑफ ऑल वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बाहर निकलता है, देन ऑन अगेन हीटिंग इट लॉस SO2 एंड SO3। SO2 का वहां पे एक स्पेसिफिक टेस्ट होता है, इस करके कभी कभी आपको बोलेगा ना कि फेरस सल्फेट को हीट करने पे पंजेंट स्मेल निकलता है, जो पंजेंट स्मेल है दे आर बिकॉज ऑफ SO2, ओके। एंड देन हम लोग हीटिंग देखे थे CaCO3 का, दैट इज लाइम स्टोन। ऑन हीटिंग इट गिव्स कैल्शियम ऑक्साइड अलोंग विथ CO2। एंड आफ्टर देन हम देखे थे लेड नाइट्रेट ऑन हीटिंग फॉर्म्स लेड ऑक्साइड अलोंग विथ NO2 एंड O2। एक और हम देखे थे H2O2 का डिकम्पोजिशन, वो क्या फॉर्म कर रहा था, H2+O2, ठीक है। ये तीन चार हम लोग एग्जांपल्स देखे थे इन थर्मल डिकम्पोजिशन। अब देखना, अब उसी पार्ट को ना एक बार हम जल्दी से क्विक रिवीजन किए, अब हम लोग आगे मूव करते हैं। देखो जब हम लोग नाइट्रेट का हीटिंग किए थे ना, वही थे ना नाइट्रेट, देखो नाइट्रेट का हीटिंग थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू कार्बोनेट एंड सल्फेट, ठीक है, क्योंकि नाइट्रेट का हीटिंग थोड़ा सा है ना, ऐसे आप देखोगे ना डिफरेंट है ना इसको ना, जब भी हम नाइट्रेट के हीटिंग को देखते हैं ना उसको हम तीन कैटेगरी में क्लासिफाई कर दिए, ठीक है। देखो अप टू बोर्ड लेवल आप लोग लेड नाइट्रेट के हीटिंग से कैरी ऑन कर सकते हो, उसके बाद आपको मूव नहीं करना है, ठीक है। बट है ना थोड़ा सा देखो एक्स्ट्रा कंटेंट देखने की बात करें, देखो नाइट्रेट में हम एक का देखे थे PbNO3 का होल ट्वाइस, इसको जब हम हीट किए थे क्या बना था, PbO+ क्या था, ये येलो कलर का था, आपको याद होगा ये येलो कलर का था, ठीक है, प्लस साथ में क्या बना था NO2, प्लस साथ में क्या बना था O2, और हम बोले थे कि NO2 का जो कलर है वो ब्राउन फ्यूम्स होता है, वो क्या होता है ब्राउन फ्यूम्स के थ्रू हम इसको डिटेक्ट करते हैं, NO2 को हम लोग ब्राउन फ्यूम्स के थ्रू क्या करते डिटेक्ट करते। तभी आपको बोलेगा ना कि हम क्वेश्चंस करेंगे आज इन सब टाइप्स के है ना, सपोज वहाँ पे आपको ये CBSE बोर्ड में ये इंपॉर्टेंट टाइप्स के क्वेश्चंस में आते हैं कि इस टाइप के कंपाउंड का हीटिंग कर रहे हैं, यहाँ पे कोई एक्स निकल रहा है, वाई निकल रहा है, वाई है ना सपोज बोला कि वाई है ना ब्राउन फ्यूम्स फॉर्म करता है, तो ब्राउन फ्यूम्स जहाँ भी वर्ड आपको लिखा रहे ना, ठीक है, जहां भी आफ्टर थर्मल डिकम्पोजिशन यदि ब्राउन फ्यूम्स बन रहा है, यदि क्या बन रहा है ब्राउन फ्यूम्स बन रहा है, तो आप वहां पे सिंपली ये पता कर सकते हो कि वहां पे NO2 बना होगा। इट मीन्स जब कभी भी NO2 के प्रेजेंस को डिटेक्ट करना हो तो याद रखना उसका क्या होता है ब्राउन फ्यूम्स होता है, तो हम इसका देखे थे। देखो इसके साथ आप एक और इसे है ना, जिस तरह से लेड नाइट्रेट का हीटिंग है, एग्जैक्टली सेम मैनर में होता है मर्करी नाइट्रेट, क्या बोलोगे मर्करी किस फॉर्म में होता है, मर्करी का नाइट्रेट बोल सकते हो आप लोग, मर्करी HG है ना, मर्करी क्या होता है, मर्करी का नाइट्रेट क्या बोलोगे, HgNO3 का होल ट्वाइस, ठीक है बोल सकते हो, तो क्या फॉर्म करेगा, सेम जिस तरह से लेड नाइट्रेट का हीटिंग है सेम एग्जैक्टली सेम मैनर से क्या होता है मर्करी नाइट्रेट का हीटिंग होता है, यहां भी क्या हो मर्करी का ऑक्साइड प्लस क्या बनेगा NO2 प्लस क्या बनेगा O2 क्या बनेगा HGO जो मर्करी का ऑक्साइड है अलोंग विथ क्या बन रहा है मेरे पास NO2
एंड देन ओ टू। तो हम आप क्या बोलोगे, एनओ टू दैट इज ब्राउन फ्यूम्स फॉर्म हो रहा है, दैट इज ब्राउन फ्यूम्स फॉर्म हो रहा है। तो देखो इसके बाद ना जैसे हम क्या बोले, जो मैनर जिस मैनर से लेड नाइट्रेट डिकम्पोज किया था एग्जैक्टली सेम मैनर से क्या हो रहा है, मर्क्यूरिक नाइट्रेट भी क्या हो रहा है, ब्रेक कर रहा है। तो यहाँ से हम एक पॉइंट ये बोल सकते हैं ना कि किसी भी हैवी मेटल के नाइट्रेट को जब हम हीट करते हैं, जब हम क्या करते हैं हीट करते हैं, तो वहाँ पे ब्राउन फ्यूम्स फॉर्म होता है, वहाँ पे क्या होता है ब्राउन फ्यूम्स फॉर्म होता है। तो है ना, तो आप लोग नोट करके लिखो, नोट करके फर्स्ट पॉइंट, हैवी मेटल नाइट्रेट ऑन थर्मल डिकम्पोजिशन फॉर्म्स इट्स ऑक्साइड along with brown fumes of NO2, It means किसी भी heavy metal का जब हम लोग thermal decomposition कराते हैं तो वो अपने oxide भी क्या होता है break करता है, along with their oxide it also form brown fumes of NO2। ये heavy metal के लिए आप लोग अलग मोस्टली आप लोग लेड नाइट्रेट पे फोकस करना, ठीक है, एज कम्पेयर टू मर्करी नाइट्रेट। ओके, आप लोग जल्दी से इसको लिखो, देन हम देखते हैं कुछ और टाइप्स के नाइट्रेट का हम लोग हीटिंग किस वजह से कराते हैं, है ना। फर्दर हम क्या देखेंगे, किसी है ना और भी नाइट्रेट है जिसका हीटिंग किस वजह से होता है। ओके, अब देखो नोट का सेकेंड पॉइंट लिखना, नोट का सेकेंड पॉइंट आप लोग ना अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल के बारे में जानते होगे ना, कि अल्कली मेटल क्या होता है, अल्कलाइन अर्थ मेटल क्या होता है। तो देखोगे ना ऐसे थोड़ा बहुत आइडिया आपको यदि पीरियोडिक टेबल का होगा, तो पीरियोडिक टेबल में जो मेरे पास फर्स्ट एलिमेंट की ग्रुप हैं, फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट हैं दैट इज लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, दीज आर कॉल्ड अल्कली मेटल। एंड ग्रुप टू एलिमेंट फॉर एग्जाम्पल बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, दीज आर कॉल्ड अल्कलाइन अर्थ मेटल, तो अल्कली मेटल के नाइट्रेट का क्या बिहेवियर है और अल्कलाइन अर्थ मेटल के नाइट्रेट का क्या बिहेवियर है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टाइप्स के क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है। तो है ना अल्कली मेटल का नाइट्रेट मतलब लिथियम का नाइट्रेट, सोडियम का नाइट्रेट, पोटेशियम का नाइट्रेट, इनका जब हम लोग हीटिंग करते हैं, तो किस वे से ब्रेक करते हैं, तो आप लोग लिखो नोट का सेकेंड पॉइंट, ऑल अल्कली मेटल लिखना ब्रैकेट में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ऑल अल्कली मेटल एलाई लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम, ऑल अल्कली मेटल एक्सेप्ट लिथियम। देखो अल्कली मेटल ये सारे हैं एक्सेप्ट लिथियम थोड़ा सा करेक्ट करना, ऑल अल्कली मेटल नाइट्रेट एक्सेप्ट लिथियम नाइट्रेट, ब्रैकेट में इसको लिखे थे एक्सेप्ट लिथियम नाइट्रेट डू नॉट गिव्स ब्राउन फ्यूम्स ऑफ एनओ टू, ऑन थर्मल डिकम्पोजिशन। देखो मीनिंग क्या है ना कि लिथियम नाइट्रेट ही सिर्फ NO2 फॉर्म करेगा, बाकी कोई भी अल्कली मेटल का नाइट्रेट ब्राउन फ्यूम्स फॉर्म नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल
देखो सपोज हम लोग सोडियम का नाइट्रेट लिए, NaNO3 सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट का जब थर्मल डिकम्पोजिशन हुआ क्या हुआ, सोडियम नाइट्रेट, इसका नाम क्या है सोडियम नाइट्रेट। बच्चे जब भी आप लोग एग्जाम में लिखते हो ना इसको लिखा करो सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट का हम जब क्या करेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन, क्या करेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन, तो बनता है NaNO2+O2, NaNO2+O2। इट मीन्स देखो लिखा है स्टेटमेंट, बट हम यदि लिथियम नाइट्रेट की बात करते हैं LiNO3 को जब हम हीट करते हैं तो बनता है Li2O+NO2+O2+O2। देखो इट मीन्स लिथियम का बिहेवियर सोडियम के बिहेवियर से क्या है डिफरेंट है, बट हम लोग क्या पढ़ते हैं कि ऑल अल्कली मैटर, या सिंपली आप ये बोल सकते हो ना कि किसी भी ग्रुप में जितने भी एलिमेंट हैं उनकी प्रॉपर्टी बराबर होती है। क्या बोले, किसी भी ग्रुप में जो भी एलिमेंट है उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है बराबर होती है। यदि हम उसके हिसाब से देखें तो लिथियम और सोडियम की प्रॉपर्टी एग्जैक्टली बराबर होती, बट ऐसा है नहीं। इसके बारे में आप लोग पढ़ोगे जब हम लोग पीरियोडिक टेबल करेंगे, दैट इज पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में हम लोग ये करेंगे कि लिथियम का जो बिहेवियर है वो थोड़ा सा एक्सेप्शनली डिफरेंट होता है फ्रॉम अदर एलिमेंट्स इन इट्स ग्रुप, फ्रॉम अदर एलिमेंट इन इट्स ग्रुप। इसके पीछे का ना बहुत सारा रीजन है कि लिथियम की प्रॉपर्टी डिफरेंट क्यों होती है, उस बारे पार्ट में हम लोग इंटर नहीं कर रहे हैं बिकॉज दे आर कम्प्लीटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट। अभी हम सिंपली है ना हीटिंग देख रहे हैं और सिंपली आप लोग केमिकल रिएक्शन देख रहे हो, तो केमिकल रिएक्शन में हमको किसी एलिमेंट के स्पेसिफिक प्रॉपर्टी को स्टडी नहीं करना है, हम सिंपली कंपाउंड्स का देख रहे हैं। ठीक है, कोई केमिकल रिएक्शन किस वे से हो रहा है, उस केमिकल रिएक्शन में बना कंपोनेंट क्या फॉर्म हो रहा है, कैसे फॉर्म हो रहा है, बस ये चीज़ देख रहे हैं। ठीक है, हम किसी स्पेसिफिक एलिमेंट के प्रॉपर्टी को स्टडी नहीं करने वाले यहाँ पे। अब देखो हम क्या बोले, सोडियम नाइट्रेट का जब हीटिंग हुआ इट फॉर्म्स इट्स नाइट्राइट, इट फॉर्म इट्स नाइट्राइट। इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है सोडियम नाइट्राइट है, इसका नाम क्या है सोडियम नाइट्राइट है। बट इसका नाम क्या है, बट जब लिथियम नाइट्रेट को हम हीट किए, बट जब हम लिथियम नाइट्रेट को हीट किए ये अपना ऑक्साइड फॉर्म किया अलोंग विथ NO2 एंड ऑक्सीजन, अलोंग विथ NO2 एंड ऑक्सीजन। बैलेंसिंग आप लोगों को आता है, बैलेंसिंग करना मस्ट है, पहले बोल चुके हैं जब भी हम किसी केमिकल रिएक्शन को लिखते हैं तो अब ना बैलेंसिंग के साथ लिखते हैं। देखो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, यहाँ पे लिखोगे सॉलिड, यहाँ भी क्या लिखेंगे सॉलिड, यहाँ पे क्या है गैस, यहाँ भी क्या लिखोगे सॉलिड, यहाँ भी क्या लिखोगे सॉलिड, यहाँ पे गैस, और यहाँ भी क्या लिखेंगे गैस। तो ये सारा आपको फिजिकल स्टेट का भी इंपॉर्टेंस है जो कि हम लोग फर्स्ट लेक्चर में स्टडी किए हैं। ठीक है, तो हम जो पॉइंट लिखे थे ना एक्सेप्ट लिथियम नाइट्रेट, लिखे थे ऑल अल्कली मेटल नाइट्रेट एक्सेप्ट लिथियम नाइट्रेट डू नॉट फॉर्म्स NO2 ऑन थर्मल डिकम्पोजिशन, ऑन थर्मल डिकम्पोजिशन। आगे उसमें ऐड करना, फिर इसको लिखना, उसमें आगे ऐड करो दैट इज दिस मेटल नाइट्रेट, That is these metal nitrate on thermal decomposition. On thermal decomposition, forms its nitrite. मतलब उस metal का nitrite form होगा. Forms its nitrite. Along with oxygen, forms its nitrite. Along with oxygen gas. अब देखना बच्चे, जो behavior sodium nitrite का है, वही behavior potassium nitrite का है होगा, और वही rubidium का भी होगा, और वही cesium का भी होगा। It means जो हम क्या बोले, alkali metal जो है ना, जो अल्कली मेटल है ना उसमें कौन कौन सा एलिमेंट है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, फ्रांसियम है, बट दे आर कंप्लीटली डिफरेंट बिहेवियर फ्रॉम रेस्ट एलिमेंट बिकॉज दे आर रेडियो एक्टिव, और रेडियो एक्टिव क्या है उसमें मत जाना। देखो हम क्या बोले, लिथियम नाइट्रेट को छोड़ के बाकी जो भी नाइट्रेट है उनका थर्मल डिकम्पोजिशन सेम होता है लिथियम को छोड़ के। पहले आप लोग इसको लिखो, फिर हम एक है ना जनरल फॉर्म बना देंगे कि इसका थर्मल डिकम्पोजिशन किस वे से होगा और इसका थर्मल डिकम्पोजिशन किस वे से होगा। ठीक है,
ये सारे देखो ये बच्चे ये सारे कॉन्सेप्ट एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट में आप लोग लिख लेना जो प्रीवियस क्लास में हम लोग थर्मल डिकम्पोजिशन किए थे दे आर इन योर सिलेबस बट दीज आर एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट जो करना चाहते हो करो नहीं करना चाहते हो तो आप पे डिपेंड है ठीक है बट जो नाइट्रेट है उसका हीटिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर जो आप पढ़े हो दैट इज लेड नाइट्रेट अदर्स ठीक है देखो पहले आप लोग ये एग्जाम्पल लिखना फिर एग्जाम्पल इसके लिए है ना तुम लोग खुद से लिखे ना इसका नाम क्या है लिथियम नाइट्रेट क्या फॉर्म किया लिथियम ऑक्साइड अलोंग विथ NO2 ठीक है फिर O2 ठीक है अब देखो NO2 क्या है NO2 क्या है नाइट्राइड ठीक है चलो अब देखना जब इसको लिख लियो अब देखो हम एक है ना एक जनरल फॉर्म बना लो एक है ना जनरल फॉर्म बना लो देखो मतलब क्या हो गया लिथियम नाइट्रेट का हीटिंग हम प्रोडक्ट लिख चुके यहां पे हम सिंपली क्या लिखेंगे MnO3 M यहां पे क्या होगा सोडियम हो सकता है या तो पोटेशियम होगा या रुबिडियम होगा या सीजियम होगा मतलब लिथियम को छोड़ के बाकी जो भी अल्कली मेटल है ठीक है जब हम इसका थर्मल डिकम्पोजिशन कराए तो क्या फॉर्म हो रहा है इसका क्या फॉर्म हो रहा है नाइट्राइट अलोंग विथ ऑक्सीजन बट यहां पर क्या हो गया था यहां पर क्या होता है लिथियम ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस क्या हुआ O2 ये अल्कली मेटल के नाइट्रेट का बिहेवियर है ये क्या है अल्कली मेटल नाइट्रेट का बिहेवियर है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है देखो क्वेश्चन रैंडमली है ना मल्टीपल चॉइस टाइप में क्वेश्चन आ जाता है आउट ऑफ दिस नाइट्रेट गिव्स ब्राउन फ्यूम्स ऑन हीटिंग ठीक है क्वेश्चन आपको फेम कर सकता है तो वहां पे आप लोग है ना कंफ्यूज मत होना ठीक है तो बस माइंड में जितना अभी हम नाइट्रेट कराएंगे दे आर सफिशियंट फॉर +1 +2 सिलेबस ऑल्सो ठीक है तो आप लोग एक क्वेश्चन लिख लो पहले इसको लिख लो जल्दी से इस वाले पार्ट को जल्दी से नोट करो ठीक है देखो क्वेश्चन क्या होगा लिखना क्वेश्चन आउट ऑफ दिस नाइट्रेट ऑन थर्मल डिकम्पोजिशन Out of the following, which nitrate on thermal decomposition, forms brown fumes of NO2. ठीक है तो सपोज आपको हम ऑप्शन दिए ABCD तो है ना लेड नाइट्रेट है ठीक है ना NaNO3 ठीक है LiNO3 सपोज हम दिए तुमको KNO3 आउट ऑफ दिस विच नाइट्रेट फॉर्म्स ब्राउन फ्यूम्स ऑफ NO2 ठीक है तो आप लोग है ना मे बी ये है ना सिंगल करेक्ट ऑप्शन के फॉर्म में आ सकता है या आपको है ना मल्टीपल चॉइस में आ सकता है तो आप देखोगे ना कि लेड नाइट्रेट हैवी मेटल का नाइट्रेट है फॉर्म करेगा सोडियम नाइट्रेट नहीं करता है लिथियम नाइट्रेट करेगा KNO3 नहीं करेगा इट मींस जो लेड नाइट्रेट था और जो लिथियम नाइट्रेट था दे फॉर्म्स ब्राउन फ्यूम्स ये मल्टीपल चॉइस हो गया मे बी आपको यहां पे दूसरा ऑप्शन देता या यहां पे आपको दूसरा ऑप्शन दे सकता था तो उसके अकॉर्डिंग आपको चलना होगा ठीक है उसके अकॉर्डिंग चलना होगा किस टाइप के नाइट्रेट ब्राउन फ्यूम्स फॉर्म करते हैं ठीक है ये हम लोगों का नोट का सेकेंड पॉइंट था तो लिख लो नोट का थर्ड पॉइंट आप लोग लिखो नोट का थर्ड पॉइंट लिखो ऑल अल्कलाइन अर्थ मेटल नाइट्रेट देखो अल्कलाइन अर्थ मेटल हम बोलते हैं ग्रुप टू को एलिमेंट कौन कौन सा है बेरिलियम है मैग्नीशियम है कैल्शियम है स्ट्रोंटियम है और बेरियम है आप लोग जमा लिखे हो ना ऑल अल्कलाइन अर्थ मेटल नाइट्रेट ब्रैकेट में लिख लेना बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंटियम और बेरियम ठीक है ये सारे क्या है अल्कलाइन अर्थ मेटल नाइट्रेट है ऑन थर्मल डिकम्पोजिशन फॉर्म्स इट्स ऑक्साइड
forms its oxide along with brown fumes of NO2. Along with brown fumes of NO2. Along with brown fumes of NO2. That is M. MNO3 का होल ट्वाइस. MNO3 का होल ट्वाइस. तो यहां पे देखो M का मतलब क्या है. M का मतलब क्या है. बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंटियम है या क्या है. बेरिलियम इसे क्या एग्जांपल से क्या लिखे. MgNO3 का होल ट्वाइस. हमें देखो ये सब करना सीखो अभी से. ठीक है कि M एक ना जनरल टर्म है. M क्या एक जनरल टर्म है जो उस ग्रुप के हर एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है. M क्या एक जनरल टर्म है. फॉर एग्जांपल हम क्या लिखे. M इक्वल टू हम क्या लिखे. फॉर एग्जांपल क्या बोले. इफ इफ M इज M इक्वल टू क्या है. मैग्नीशियम है. मतलब कोई M एक जनरल टर्म है. कोई मुझसे कोई मतलब नहीं है. तो क्या बोलेंगे. इट्स ऑक्साइड. तो मैग्नीशियम का ऑक्साइड क्या होगा. MgO. ठीक है. मैग्नीशियम ऑक्साइड अलोंग विथ NO2. अलोंग विथ NO2 और O2. अलोंग विथ NO2 एंड O2. दैट इज अल्कलाइन अर्थ मेटल नाइट्रेट को हम जब हीट किए इसका ऑक्साइड फॉर्म हुआ. NO2 फॉर्म हुआ और क्या फॉर्म हो रहा है. O2 फॉर्म हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल इट मीन एक जनरल टर्म हम लिख रहे हैं. एक जनरल टर्म है. क्या फॉर्म होगा. एम ओ देखो ना. एम जी ओ या हम क्या लिखेंगे. बेरिलियम ऑक्साइड. क्या लिखो. कैल्शियम ऑक्साइड CaO. स्ट्रोंटियम ऑक्साइड SrO. बेरियम ऑक्साइड BaO. अलोंग विथ NO2 प्लस O2. अलोंग विथ NO2 एंड O2. These are the behavior of nitrates of alkaline earth metal. These are the behaviors of nitrates of alkaline earth metal. Nitrates of alkaline earth metal. देखो बच्चे तो ये सारा आपको नाइट्रेट का हीटिंग था. ठीक है. तो नाइट्रेट के हीटिंग में आप यदि है ना इतने वाले पार्ट को केयरफुली गए होंगे ना तो एक चीज आपको है ना जो इसका है ना समरी है वो आपको निकल के ये आया होगा कि जितने भी नाइट्रेट्स हैं उसमें आप ग्रुप वन को लेके आओ. पहले ग्रुप वन का नाइट्रेट NO2 फॉर्म नहीं करेगा एक्सेप्ट लिथियम. ग्रुप वन का नाइट्रेट NO2 फॉर्म नहीं करेगा एक्सेप्ट लिथियम. लिथियम नाइट्रेट फॉर्म करता है क्या. NO2. बट इसके अलावा और कोई ग्रुप वन का एलिमेंट NO2 फॉर्म नहीं करता है. तो जो ग्रुप वन के नाइट्रेट हैं वो फॉर्म क्या करते हैं. इट्स नाइट्राइट NaNO2. ठीक है. KNO2. इट्स नाइट्राइट अलोंग विथ ऑक्सीजन. इट्स नाइट्राइट अलोंग विथ ऑक्सीजन. तो नाइट्रेट का हीटिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है. बट फॉर योर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू है ना यू गो फॉर लेड नाइट्रेट. यू गो फॉर लेड नाइट्रेट अलोंग है ना अलोंग विथ देयर कलर. दैट इज लेड ऑक्साइड हैविंग येलो कलर अलोंग विथ NO2 हैविंग ब्राउन फ्यूम्स कलर. बट है ना दीज आर द एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट. दैट इज हम लोग क्या किए किसी भी हैवी मेटल नाइट्रेट का हीटिंग किस वजह से होता है. एंड अदर देन दिस है ना हम लोग क्या किए अल्कली मेटल नाइट्रेट का हीटिंग किस वजह से होता है. एंड ऑल्सो फॉर अल्कलाइन अर्थ मेटल नाइट्रेट का हीटिंग हम लोग किस वजह से कराते थे. तो ये सारे कॉन्सेप्ट हमारे पास थे थर्मल डिकम्पोजिशन के. सफिशियंट है. आप लोग इसको प्रैक्टिस करो. और आपका होमवर्क है जो हम थर्मल डिकम्पोजिशन कराए हैं उसका बैलेंसिंग आप लोग खुद करोगे. जैसे हम लेड नाइट्रेट का कराए एंड मरकरी नाइट्रेट का था किसी भी अल्कली मेटल नाइट्रेट का हीटिंग था या किसी भी अल्कलाइन मेटल नाइट्रेट का हीटिंग था तो इन सारे ना रिएक्शंस का बैलेंसिंग आप लोग खुद करोगे बिकॉज बैलेंसिंग आप लोगों को आता है और हम करा चुके. ठीक है. तो आफ्टर थर्मल डिकम्पोजिशन है ना नाउ वी मूव नेक्स्ट डिकम्पोजिशन दैट इज फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन. दैट इज फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन. फोटोकेमिकल बताए थे. फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन का मतलब क्या है. फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन अब देखो इसका मीनिंग क्या है कि उस टाइप का डिकम्पोजिशन मतलब द डिकम्पोजिशन विच इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. डिकम्पोजिशन विच इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज कॉल्ड फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन. देखो हम आपको बताए थे इसका थोड़ा सा है ना किस तरह से कोरिलेट कर सकते हो. आपको हम बताए थे फोटो जो वर्ड है दे आर स्टैंड्स फॉर फोटोन. दे आर स्टैंड्स फॉर फोटोन. फोटोन जो है वो सनलाइट से मिलता है. फोटोन क्या मिलता है सनलाइट से.
ठीक है, सनलाइट से मिलता फोटोन, इट मींस द रिएक्शन द फोटोकेमिकल, मतलब द केमिकल रिएक्शन व्हिच टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ फोटोन दैट इज सनलाइट इज कॉल्ड फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन. आप लोग फर्स्ट ऑफ ऑल इसको नोट करो, अदरवाइज हम नोट करा चुके हैं. ठीक, लिख लो फिर से, द केमिकल रिएक्शन, द केमिकल रिएक्शन व्हिच इज कैरिड आउट, द केमिकल रिएक्शन व्हिच इज कैरिड आउट, which is carried out in the presence of sunlight, in the presence of sunlight called, in the presence of sunlight called thermal, sorry, photochemical decomposition takes place, yeah, carried out in the presence of sunlight called thermal photochemical decomposition called photochemical decomposition. अब देखो बच्चे कि आपके माइंड में ये क्वेश्चन आएगा ना कि हम एक वाले पार्ट में हीटिंग कराए और यहाँ पे हम फोटोकेमिकल करा रहे हैं, इसको भी हम हीटिंग करा सकते हैं, या जो हम पहले डिकम्पोजिशन कराए उसको हम सनलाइट के साथ करा सकते हैं. ये ना जनरल क्वेश्चन आपके माइंड में फ्रेम होगा. क्वेश्चन हम क्या बोले कि अभी हम जो थर्मल डिकम्पोजिशन किए तो या तो उसको हम फोटोकेमिकल में लेके आ सकते हैं, पहला चीज आपके माइंड में ये होगा. दूसरी बात आपके माइंड में क्या आएगा कि जो फोटोकेमिकल में हम करा रहे हैं उसको हम थर्मल में लेके जा सकते हैं कि नहीं. ठीक है, अब समझो जो हम पॉइंट बोलेंगे उसके बाद आपका ये जो क्वेश्चन जो आपके माइंड में फ्रेम होने वाला था या होता या नहीं होता उसका आपको डाउट क्लियर हो जाएगा. देखो मतलब फोटोकेमिकल में क्या बोले, सनलाइट, क्या बोले, सनलाइट है. मतलब जो सब्सटेंस सिंपली आप उसको सनलाइट में लेके जाओ वो डिकम्पोज कर जाएगा. वो क्या होगा, डिकम्पोज करेगा. तो बताओ सनलाइट में इतना ज़्यादा एनर्जी नहीं होता है जितना कि हम लोग हीटिंग के थ्रू प्रोवाइड कर सकते थे. हीटिंग में हम पे डिपेंड है हम कितना एनर्जी उसको सप्लाई कर रहे हैं. दैट इज जितना ज़्यादा आप लोग हीट करोगे ना उतना ज़्यादा उसको एनर्जी मिला हो. बट हम क्या बोल रहे हैं, अब हम करा रहे हैं फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन. तो फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन में जिस भी कंपाउंड का डिकम्पोजिशन होगा, जिस भी कंपाउंड का डिकम्पोजिशन होगा वो मोस्टली लेस रिएक्टिव होते हैं. दे आर मोस्टली लेस रिएक्टिव, दे आर मोस्टली लेस रिएक्टिव. देखो जैसे हम लोग करेंगे अभी जस्ट जब हम लोग करेंगे ना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो वहां पर हम करेंगे रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल या एलिमेंट, वहां पर हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज कर लेंगे एलिमेंट का. बट आप है ना जनरल है ना जो कॉन्सेप्ट आपके माइंड में आना चाहिए, ये आना चाहिए था कि फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन में जो भी है ना हो रहा है डिकम्पोजिशन वो रहा है आपको सनलाइट में. कहाँ पे हो रहा है, सनलाइट में. तो सनलाइट में है ना इतना पावरफुल एनर्जी, सॉरी सनलाइट बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी का सोर्स है नहीं. ठीक है, तो यहाँ पर मोस्टली उसी कंपाउंड का डिकम्पोजिशन होगा जो लेस मोस्टली क्या होंगे, लेस स्टेबल होंगे. मोस्टली क्या होंगे, लेस स्टेबल होंगे. तो आप लोग यहां पे लिखना, जब आप लोग है ना इसका लिखो डेफिनेशन ना उसके बाद लिखना, लिखना इन फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, इन फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, इन फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन मोस्टली, इन फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन मोस्टली लेस रिएक्टिव, इन फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन मोस्टली लेस रिएक्टिव कंपाउंड्स, मोस्टली लेस रिएक्टिव कंपाउंड्स, मोस्टली लेस रिएक्टिव कंपाउंड्स, मोस्टली लेस रिएक्टिव कंपाउंड्स आर इन्वॉल्व, मोस्टली लेस रिएक्टिव कंपाउंड्स आर इन्वॉल्व. ठीक है, मतलब जो भी कंपाउंड आएगा किसके लिए, फॉर फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, वो रिलेटिवली लेस स्टेबल होते हैं या लेस रिएक्टिव बोल सकते हो, लेस रिएक्टिव होते हैं. ठीक है, अब देखो फॉर एग्जांपल फर्स्ट जो मेरे पास थर्मल फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन है वो है AgCl. ठीक है, मेरे पास क्या है, AgCl, मतलब सिल्वर का कोई सॉल्ट है. AgCl क्या है, सिल्वर का सॉल्ट है. ठीक है, सिल्वर का सॉल्ट है, सिल्वर क्लोराइड. ये व्हाइट कलर का है, ये किसका होता है, ये आपको व्हाइट कलर का है. नाम क्या इसका, सिल्वर क्लोराइड. नाम क्या इसका, सिल्वर क्लोराइड. देखो सिल्वर क्लोराइड, देखो अब यहाँ पे ना लिखने का तरीका क्या है,
कभी कभी आपको ना इस वजह से लिखा रहेगा। देखो फर्स्ट जो लिखने का तरीका है वो आपको यहाँ पे डायरेक्टली सनलाइट लिखा रहेगा। फर्स्ट क्या होगा यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे सनलाइट लिखा रहेगा, डायरेक्टली यहाँ पे क्या है सनलाइट लिखा रहेगा। सेकेंड यहाँ पे ना आपको यूवी लिखा रहेगा, यूवी का भी मतलब क्या होता है सनलाइट, यूवी का मतलब क्या है सनलाइट, आप यहाँ पे यूवी भी लिखा सकता है। और एक है एच न्यू, एक क्या है एच न्यू, दीज ऑल आर एब्रिविएशन ऑफ सनलाइट। ठीक है, तो मोस्टली आपको सनलाइट लिखा हुआ मिलेगा, बट कहीं कहीं पे एरो के ऊपर आपको यूवी लिखा रहेगा। पता है ना सनलाइट क्या होता है, अल्ट्रावायलेट रेज होते हैं, तो वहां पे आपको यूवी भी लिखा रहेगा। या एच न्यू पढ़ोगे जाके बाद में, एच न्यू एक एनर्जी होता है फोटोन का, तो आपको एच न्यू भी लिखा रहेगा। बट मोस्टली या तो आपको सनलाइट लिखा हुआ मिलेगा या आपको यूवी लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, मोस्टली ये मिलता है, एच न्यू रेयर केस अभी आपको कहीं भी मिलेगा, बट मोस्टली कर सनलाइट या एच न्यू सॉरी यूवी। सिंपल सा पता ना, जो सिल्वर है वो लेस रिएक्टिव होता है, सिल्वर क्या है लेस रिएक्टिव होता है, इसलिए हम क्या बोले लेस रिएक्टिव कंपाउंड्स का ही फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन होता है मोस्टली, बिकॉज सनलाइट उतनी ज्यादा एनर्जी का सोर्स होता नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, Ag प्लस Cl2, ब्रेक कर गया Ag प्लस Cl2। अब बताओ जो ही Ag फॉर्म हुआ बैलेंस कर लोगे, सिंपल सा बैलेंसिंग है, यहां भी 2 लगा लो यहां भी 2 लगा लो। Ag होता है ग्रे कलर का, Ag क्या होता है मतलब है ना, हमको एलिमेंटल सिल्वर मिल रहा है, एलिमेंटल सिल्वर क्या होता है एलिमेंटल सिल्वर है ग्रे कलर लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखना ये आपको फर्स्ट डिकम्पोजिशन था, जहां पे हम जब व्हाइट सिल्वर क्लोराइड को हीट कर रहे हैं, दैट इज हीट क्या कर रहे हैं सनलाइट की वजह से आ रहा है, तो वो एलिमेंटल सल्फर है ना वो कहां ब्रेक कर रहा है, दे ब्रेक्स इनटू एलिमेंटल सिल्वर अलोंग विथ Cl2, एलिमेंटल सिल्वर अलोंग विथ Cl2। एग्जैक्टली सेम मैनर से AgBr, AgBr ये होता है येलो कलर का, यह लिखा था आपको पेल येलो, मतलब बहुत ज्यादा येलो होता है, लाइट येलो लिखा रहे मतलब क्या येलो कम है, देखा ना पेल येलो मतलब येलो थोड़ा सा ज्यादा इंटेंस है। ठीक है, तो इसको आप क्या करो, तो इसको हम क्या करें सनलाइट के साथ लाएंगे, क्या बनेगा Ag प्लस क्या बनेगा Br2, Ag प्लस Br2, 2 लगा लिए और हम 2 लगा लिए। ठीक है, मतलब येलो कलर कहां पे गया, फिर से ग्रे कलर, दैट इज सिल्वर, हमको हमको एलिमेंटल सिल्वर मिल रहा है, हमको क्या मिल रहा है एलिमेंटल सिल्वर मिल रहा है। मोस्टली आप इसी में वर्क करो, ठीक है मोस्टली आप इसी में वर्क करो, दैट इज इन सिल्वर क्लोराइड एंड सिल्वर ब्रोमाइड। तो आप मोस्टली ये बोल ही सकते हो ना कि व्हेन हैलाइड्स ऑफ सिल्वर, बोल सकते हो ना हैलाइड्स ऑफ सिल्वर, तो हम हर हैलाइड के लिए कॉन्सेप्ट लेके नहीं आ रहे हैं, मोस्टली हम जिस हैलाइड के लिए काम कर रहे हैं दे आर क्लोराइड एंड ब्रोमाइड, दे आर क्लोराइड एंड ब्रोमाइड। व्हेन सिल्वर क्लोराइड कम्स इन कॉन्टेक्ट विद सनलाइट they breaks down into elemental silver along with Cl2, same exactly same as हम क्या बोलेंगे when silver bromide comes in contact with sunlight they breaks down into elemental silver along with Br2, along with Br2। तो यहाँ पे हम क्या बोले कि अब देखो क्या क्या logic हम बोले कि photochemical decomposition में, in photochemical decomposition मेरे पास mostly या तो silver का sorry मोस्टली क्या बोले लेस रिएक्टिव कंपाउंड्स के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। तो सिल्वर क्या था लेस रिएक्टिव था, देयरफॉर व्हेन इट कम्स इन कॉन्टेक्ट विद सनलाइट इट क्या करता है इट ब्रेक्स डाउन इनटू एलिमेंटल फॉर्म अलोंग विद हैलाइड, दैट इज या तो Cl2 होगा या तो क्या होगा Br2 होगा। ठीक है, अब जो क्वेश्चन आपको यहाँ पे है ना फ्रेम होगा, जो आपको क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेम होगा कि इस टाइप का डिकम्पोजिशन दैट इज decomposition of silver chloride or silver bromide used in photography, used in black and white photography, मतलब कि है ना why it is used in black and white photography, why it is used in black and white photography, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। तो आप लोग क्वेश्चन लिख लो, कोई भी क्वेश्चन लिख लो, जब है ना पहले आप लोग इसको लिख लियो, इसको नोट करो देन क्वेश्चन लिखो, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको नोट करो देन क्वेश्चन लिखो। ठीक है, नोट कर लिए तो लिखो क्वेश्चन, व्हाई
वाय द डिकम्पोजिशन ऑफ वाय द डिकम्पोजिशन ऑफ वाय द डिकम्पोजिशन ऑफ AgCl एंड AgBr वाय द डिकम्पोजिशन ऑफ AgCl एंड AgBr यूज्ड इन वाय द डिकम्पोजिशन ऑफ AgCl एंड AgBr यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी तो आप लोग लिखो इसमें बिकॉज व्हेन इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विथ लाइट because when it comes in contact with light, it radially decomposed into silver, which remains as an opaque image on photographic image on photographic film. मतलब है ना, जहां से फोटोग्राफी करता है ना, आप लोग देखते हो ना, पहले है ना, पहले क्या था उस है ना, एक आता था ना रील्स बोलते, उस पर उसका इमेज बन जाता था, उस पर उसका क्या होता है, इमेज बन जाता है. ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में इसको हम लोग यूज करते थे. आप लोग देखते हो पहले ना कि जैसे आप रील है ना इंसर्ट करते थे, वो रील इंसर्ट करते ना, तो जो ही वो लाइट के कॉन्टैक्ट में आता है ना, जो ही क्या होता है, वो लाइट के कॉन्टैक्ट में आता है, तो उस पर एक ओपेक इमेज बन जाता है. उस पर क्या होता है, एक ओपेक इमेज बन जाता है. तो आपको कभी कभी है ना बोर्ड में क्वेश्चन फ्रेम करेगा कि इस टाइप के डिकम्पोजिशन को हम लोग ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किस लिए यूज करते हैं. आप लोग याद रखना, इस कलर, इस कंपाउंड का कलर येलो होता है, जब डिकम्पोज करता है तो ग्रे कलर का कंपाउंड फॉर्म करता है. तो ये था मेरे पास फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन. नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं टुवर्ड्स इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, देखते हैं. ओके, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लास्ट डिकम्पोजिशन, दैट इज इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन. लास्ट वन इज इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन. अब देखो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन हम लोग है ना इसके बारे में कर चुके थे, सॉरी इसका जो बेसिक डेफिनेशन था, बेसिक डेफिनेशन हम लोग कर चुके थे. तो क्या नाम था कि व्हेनेवर एनी केमिकल रिएक्शन क्या हुआ बच्चे, व्हेनेवर एनी केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दे कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन. तो आप सिंपली यही बोलोगे ना कि जब हम करंट पास कराए तो यदि कोई है ना कंपाउंड अपने रिस्पेक्टिव एटम्स या मॉलिक्यूल्स में क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन. तो जो सबसे बेसिक एग्जांपल है वो है H2O का डिकम्पोजिशन. वो क्या है, H2O का डिकम्पोजिशन. तो H2O ब्रेक करता है किसमें, H2+O2. किसमें ब्रेक करता है, H2+O2. किसमें ब्रेक करें बच्चे, H2+O2. अब देखना ये कब ब्रेक किया, जब इसका हम क्या कराए, इलेक्ट्रोलाइसिस. अब देखो क्या कराए हम, इलेक्ट्रोलाइसिस. एक वर्ड है यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस, उसको हम है ना बताते हैं, व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइसिस. तो सिंपली हम क्या बोले, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ करंट. ठीक है, या इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस भी बोलते हैं.
अब देखो है ना, बैलेंसिंग करोगे तो यहाँ पे टू आएगा और यहाँ भी क्या आएगा, टू आएगा, यहाँ भी क्या आएगा, टू आएगा। तो आप यहां से एक टर्म ये बोल सकते हो ना बच्चे, कि जब कभी भी वाटर का इलेक्ट्रोलाइटिक डिकोम्पोजिशन होता है, क्या बोले, वाटर का इलेक्ट्रोलाइटिक डिकोम्पोजिशन होता है तो हमें H2 मिल रहा है और O2 गैस, क्या बोलेंगे, ऑन इलेक्ट्रोलाइटिक डिकोम्पोजिशन वाटर गिव्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस, वाटर गिव्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस। यदि आप इसको केयरफुली देखोगे ना तो आप ये बोल सकते हो कि H2 और O2 क्या मिल रहा है हमको, हमको क्या मिल रहा है, H2 और O2 क्या मिल रहा है, H2 और O2 हमको मिल रहा है। अब देखोगे ना यहाँ पे आप यदि कोफिशियंट को चेक करो, जो हाइड्रोजन है उसका जो कोफिशियंट है वो कितना है, उसका कितना कोफिशियंट है, 2, और जो ऑक्सीजन है बच्चे उसका कितना कोफिशियंट है, 1, इसका कितना कोफिशियंट है, 1। तो हम ये बोल सकते हैं ना कि जो गैस फॉर्म हो रहा है दे फॉर्म इन द रेशियो ऑफ 2:1 बोल सकते हो। देखो तो मतलब जब वाटर डिकम्पोज किया, जब वाटर क्या किया, डिकम्पोज किया, तो हमें क्या मिला, हाइड्रोजन मिला और क्या मिला, ऑक्सीजन। तो आप यहां देखोगे ना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो 2:1 का रेशियो है, रेशियो क्या है, 2:1 का रेशियो है। इट मींस हम ये बोल सकते हैं ना कि जब वाटर का डिकम्पोजिशन हुआ तो जो वहां पे गैस फॉर्म हुआ है, वहां पे जो गैस फॉर्म हो रहा है, गैस कौन सा फॉर्म है बच्चे, वन इज हाइड्रोजन एंड अदर इज ऑक्सीजन, वन इज हाइड्रोजन एंड अदर इज ऑक्सीजन। तो जो गैस फॉर्म्ड हुआ है वो 2:1 के रेशियो में है। देखो तो द गैस फॉर्म इज इन द रेशियो ऑफ 2:1। इट मींस आप ये भी बोल सकते हो कि द वॉल्यूम ऑफ वन गैस, हम ये भी बोल सकते हैं द वॉल्यूम ऑफ वन गैस इज डबल टू द अदर, द वॉल्यूम ऑफ वन गैस इज डबल टू द अदर। इट मींस जो हाइड्रोजन है उसका वॉल्यूम ऑक्सीजन के वॉल्यूम के क्या है, डबल है। जो हाइड्रोजन फॉर्म हो रहा है उसका वॉल्यूम ऑक्सीजन के वॉल्यूम से क्या है, डबल है, क्या है, डबल है। तो आपको ये क्वेश्चन फ्रेम किया जाएगा बच्चे कि व्हाई द वॉल्यूम ऑफ वन गैस इज डबल एज कंपेयर टू अदर इन इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर। तो आप वहां पे ये रिएक्शन लिखोगे एंड आफ्टर राइटिंग रिएक्शन आप ये बोलोगे कि आफ्टर डिकम्पोजिशन द गैस फॉर्म इज इन द रेशियो ऑफ 2:1, After decomposition, the gas form is in the ratio of 2:1. Is in the ratio of 2:1. ये लिखना mandatory है। यदि आप इस point को लिखते हो, then आपका जो answer है, वो exactly right है। आप question लिखो पहले, then इस चीज को और भी details से भी समझने वाले हैं। ऐसा बस इतना ही हम इतना लिख के छोड़ देंगे। इन चीजों को भी हम और details से समझेंगे। आप लोग लिखो, on electrolytic decomposition of water, on question है, on electrolytic decomposition of water, on electrolytic decomposition of water, the volume of one gas is double to the other, the volume of one gas is double as compared to other, no? The volume of one gas is double as compared to other, as compared to other, why, as compared to other, why। तो वहां पे आप लोग इसका आंसर खुद से फ्रेम करना, बट द मैंडेटरी थिंग इज दैट्स वन, दैट इज आपको ये रिएक्शन प्रॉपर वे में लिखना पड़ेगा, आपको ये रिएक्शन प्रॉपर वे में लिखना होगा। जब आप इस रिएक्शन को लिखोगे देन आप ये मेंशन कर देना कि आफ्टर डिकम्पोजिशन वाटर गिव्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज इन द रेशियो ऑफ 2:1, इज इन द रेशियो ऑफ 2:1। तो आप ये चीज वहां पे जरूर से जरूर मेंशन कर देना। ओके, अब देखो ये तो बेसिक लेवल पे था, बट एक जो टर्म यहां पे हम लाए इलेक्ट्रोलाइसिस, उस चीजों को हम समझते हैं कि इलेक्ट्रोलाइसिस किस तरीके से होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस किस तरीके से होता है। बट सिंपली आप यहां से भी इसको ये बस हम क्या बोले, ये एक ना हम बोले कि ना वाटर ना डिकम्पोज किया, बट इलेक्ट्रोलाइसिस ना किस तरीके से ना होता है उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, देखो अब देखो है ना इसमें कैसे होता है। देखो इलेक्ट्रोलाइसिस कराने के लिए मेरे पास एक इस टाइप का एक क्या होगा, मेरे पास इस टाइप का एक कंटेनर है। ठीक है, एक टाइप क्या है, इस टाइप का कंटेनर है। इसमें मेरे पास दो इस तरह का आपको है ना रॉड लगा होगा। ठीक है, दो आपको इस तरह का रॉड लगा होगा।
इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड, इसको हम क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोड, जो इस तरह का रॉड लगा हुआ है दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड ठीक है, दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रोड ठीक है। और मेरे पास यहां पे वाटर है, मेरे पास यहां पे क्या है, मेरे पास यहां पे क्या वाटर, मेरे पास यहां पे क्या वाटर रखा हुआ है ठीक है। अब देखो जो इलेक्ट्रो हो, अब बोलोगे ना कि अभी होगा इलेक्ट्रोलाइसिस, बच्चे अभी इलेक्ट्रोलाइसिस होने का कोई चांस ही नहीं है। हम क्या बोले इलेक्ट्रोलाइसिस कब होता है, जब मेरे पास क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी, जब मेरे पास क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी, मेरे पास क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी। देखो अब हम क्या करेंगे, इसको एक्सटर्नल बैटरी से क्या करते हैं, इसको हम क्या करते हैं एक्सटर्नल बैटरी से क्या करते हैं कनेक्ट कर देते हैं, क्या करते हैं एक्सटर्नल बैटरी से क्या करते हैं कनेक्ट कर देते हैं। तो आप देखोगे ना ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है और ये बैटरी का क्या है पॉजिटिव टर्मिनल है। तो ये जो इलेक्ट्रोड है यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज, और इस वाले पे चार्ज कौन सा आएगा पॉजिटिव चार्ज, कौन सा चार्ज आएगा पॉजिटिव चार्ज, बिकॉज द इलेक्ट्रोड विच इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी हैविंग नेगेटिव चार्ज। देखो तो क्या बोले द इलेक्ट्रोड विच इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी हैविंग नेगेटिव चार्ज एंड द इलेक्ट्रोड विच इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी हैविंग पॉजिटिव चार्ज, हैविंग पॉजिटिव चार्ज। अब इस वाले इलेक्ट्रोड को जहां पे आपको नेगेटिव चार्ज क्रिएट हुआ है दे आर कॉल्ड कैथोड, दे आर कॉल्ड कैथोड, इट मींस जिस इलेक्ट्रोड पे, जिस इलेक्ट्रोड पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट हुआ है दे आर कॉल्ड कैथोड एंड द इलेक्ट्रोड वेयर पॉजिटिव चार्ज अपीयर्स इज कॉल्ड एनोड एंड द इलेक्ट्रोड वेयर पॉजिटिव चार्ज अपीयर्स इज कॉल्ड एनोड। इट मींस ये बेसिक है ना डायग्राम अभी ड्रॉ किए, डायग्राम में मेरे पास क्या क्या है, मेरे पास दो इलेक्ट्रोड है, एक इलेक्ट्रोड को हम कैथोड बोल रहे हैं एंड द अदर इज कॉल्ड एनोड। कैथोड इज कनेक्टेड थ्रू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, कैथोड इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड द एनोड इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। ओके टिल नाउ देयर इज नो डाउट, ओके आई होप देयर इज नो डाउट टिल नाउ। अब देखो होता क्या ना, अब बोलो कि अब देखो आप लोग इतना पढ़े हो गए ना कि अभी सर्किट कंप्लीट नहीं बचे। देखो अभी हम क्या बोले, ये तो नेगेटिव से और ये क्या पॉजिटिव है, बट इसका इसके साथ कनेक्शन नहीं है, इनका इसके साथ कनेक्शन नहीं है। आप थोड़ा बहुत आप लोगों को ये आइडिया होगा बच्चे कि जब कभी भी ना कहीं पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, जब कहीं भी इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है तो हम क्या बोलते हैं वहां पे करंट होगा, जब कहीं इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है फ्लो हो रहा है तो हम क्या बोलते हैं वहां पे करंट होगा। दिस कॉन्सेप्ट्स आर कंप्लीटली रिलेटेड टू है ना योर फिजिक्स सिलेबस, वहां पे आप लोग बहुत डिटेल से करोगे। बस यहाँ इतना याद रखना यदि कहीं पे चार्ज मूव कर रहा है, यदि कहीं पे चार्ज मूव कर रहा है तो वहां पे करंट का मूवमेंट होगा, वहां पे क्या होगा करंट का मूवमेंट होगा। अब देखो ये दो टर्मिनल आपस में क्या है सेपरेटेड है, ये क्या यहाँ पे सेपरेटेड है, इनको कनेक्ट करता है कि जो आप यहाँ पे ले रहे हो ना, हम क्या लिया वाटर, यहाँ पे क्या रहे वाटर, तो वाटर यहाँ पे क्या इलेक्ट्रोलाइट है, बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइट। देखो इलेक्ट्रोलाइट मतलब जिसका इलेक्ट्रोलाइसिस होता है, इलेक्ट्रोलाइट जिसका विच टेक्स पार्ट इन इलेक्ट्रोलाइसिस, विच टेक्स पार्ट इन, देखो इलेक्ट्रोलाइट क्या है विच टेक्स पार्ट इन इलेक्ट्रोलाइसिस, Which takes part in electrolysis. मतलब जिस भी कंपोनेंट को आप यहां पे रखते हो ना दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट। मतलब जो मेरे पास कंटेनर है उसमें जिसका आप इलेक्ट्रोलाइसिस कराओगे दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट, दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट। इट मीन्स जो कॉम्पोनेंट आप यहां पे लेके आ रहे हो ना उसको हम क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। अब हम यहां पे किसको लेके आए वाटर को, हम किसको लेके आए वाटर को, तो वाटर यहां पे एज ए इलेक्ट्रोलाइट बिहेव करेगा, वाटर यहां पे एज ए इलेक्ट्रोलाइट बिहेव करेगा, ठीक है। देखो हम इस ये कॉन्सेप्ट डिटेल से भी बाद में करेंगे, बट बेसिक कॉन्सेप्ट आप इतना याद रखना कि इन इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, इन इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन द सब्सटेंस विच अंडरगो इलेक्ट्रोलाइसिस, क्या बोले इन इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन द सब्सटेंस विच अंडरगो इलेक्ट्रोलाइसिस, द सब्सटेंस विच अंडरगो इलेक्ट्रोलाइसिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट, द सब्सटेंस विच अंडरगो इलेक्ट्रोलाइसिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट। तो यहां पे जो मेरे पास इलेक्ट्रोलाइट है दे आर
दे आर वाटर। तो एक जनरल ट्रेंड ये है बच्चे कि वाटर एक अच्छा इलेक्ट्रोलाइट नहीं है। हम क्या बोले, वाटर एक अच्छा इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, ठीक है, वाटर एक अच्छा इलेक्ट्रोलाइट नहीं है। इस करके यहां पे हम क्या डालते हैं, H2SO4, क्या डालते हैं, H2SO4। इट मीन्स वाटर में ना हम कुछ ड्रॉप किसका डालते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड का, ठीक है, क्या डालते हैं, कुछ ड्रॉप किसका, सल्फ्यूरिक एसिड का। अब बताओ जब यहां पे वाटर पहले से था, पहले से क्या था मेरे पास, वाटर था, अब उसमें हम किसको पुट किए बच्चे, H2SO4, किसको पुट किए, H2SO4। जो ही आप H2SO4 को पुट करोगे ना, अब जो मेरे पास वाटर है, they are becomes acidified। इट मीन्स अब जो मेरे पास इलेक्ट्रोलाइट जो आप लिखो ना, वहां पे क्या होगा, एसिडिफाई, अब मेरे पास क्या, एसिडिफाई वाटर, मेरे पास यहां पे क्या, एसिडिफाइड वाटर। इट मीन्स हम वाटर क्यों नहीं लिए, हम वाटर क्यों नहीं लिए, हम वाटर में H2SO4 क्यों डिजॉल्व किए, या कुछ ड्रॉप एसिड का क्यों लाए, बिकॉज वाटर जो है बच्चे वो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। वाटर क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये आयंस फॉर्म करने की टेंडेंसी इसके पास नहीं होती है, है बट बहुत कम होता है, बहुत ही कम होता है। इट मीन्स वाटर का अपने आयंस में ब्रेक होना बहुत ही कम टेंडेंसी होता है। बट जो ही हम यहां पे H2SO4 डालेंगे ना, तो वो क्या बन गया, एसिडिफाई वाटर, क्या बन गया, एसिडिफाई वाटर। और एसिडिफाई वाटर का जो आयनाइज करने का टेंडेंसी है, दैट इज आयंस फॉर्म करने का टेंडेंसी है, वो ज्यादा होता है। वो क्या होता है बच्चे, ज्यादा होता है, वो क्या होता है, ज्यादा होता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो मेरे पास वाटर था, जब उसमें हम कुछ ड्रॉप H2SO4 का डाले, तो क्या बन गया, एसिडिफाई वाटर। इट मीन्स दे आर बिकम्स गुड इलेक्ट्रोलाइट। इट मीन्स वहां पे अब आयनाइजेशन होगा, वहां पे अब क्या होगा, आयनाइजेशन होगा, तो यहां पे जो आयंस बनेंगे उसका नंबर इंक्रीज करेगा। यहां पे क्या, जो आयंस बनेंगे उनका नंबर क्या होगा, इंक्रीज करेगा। यदि आयंस का नंबर इंक्रीज करेगा, तो हम ये बोल सकते हैं कि जो कंडक्टिविटी है, दैट इज टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, वो इंक्रीज करेगा। जल्दी से बताओ जो पॉइंट बोले वो आपको समझ आया या नहीं। तो हम क्या बोले, जब इसमें हम वाटर में H2SO4 को डिजॉल्व किए, किसको डिजॉल्व किए, H2SO4 को डिजॉल्व किए, तो वाटर का जो कंडक्टेंस है वो इंक्रीज किया। कंडक्टेंस क्यों इंक्रीज किया बच्चे, बिकॉज जो वाटर था उसका आयनाइजेशन इंक्रीज किया। उसका क्या हुआ, आयनाइजेशन इंक्रीज किया, तो हम क्या बोलेंगे, इसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज की। हम हर एक पॉइंट को आपको मेंशन कराएंगे, लिखाएंगे, ठीक है। इट मींस जो एसिड है, एसिड से हमको यहां पे क्या मिलेगा, H+, क्या मिलेगा, H+, क्या मिल गया बच्चे हमको, H+, ठीक है। यहां तक डाउट है किसी को, यहां तक डाउट नहीं है, चलो। अब देखो मेरे पास एक कैथोड था, मेरे पास एक क्या था, कैथोड था, और एक मेरे पास क्या था, एनोड। चलो मेरे पास एक क्या था, कैथोड, और मेरे पास एक बार क्या था बच्चे, एनोड, ठीक है। मेरे पास क्या था, कैथोड, और मेरे पास क्या था, एनोड। अब आप देखो कि कैथोड पे होता है रिडक्शन, कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन, और एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन। कैथोड पे क्या था, रिडक्शन, और एनोड पे क्या है, ऑक्सीडेशन। अब बताओ बच्चे ना, ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है, ये भी टॉपिक जस्ट जब हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन खत्म करेंगे ना, दैट इज आफ्टर डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट, जो मेरा टॉपिक होगा वो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ही होगा, ठीक है। अभी के लिए बस इतना याद रखना कि रिडक्शन जो होता है ना, रिडक्शन बच्चे, रिडक्शन होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन में क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीडेशन में होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। बट बेसिक इतना याद रखना, बट डिटेल से हम लोग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को डिटेल से हम लोग करेंगे, ठीक है, हम इसको डिटेल से भी करेंगे, अभी कोई इसमें दादी मत लगाना। बस इतना याद रखना, कैथोड पे रिडक्शन होता है और एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है। क्या बोले, कैथोड पे रिडक्शन होता है और एनोड पे क्या होता है बच्चे, ऑक्सीडेशन, क्या होता है, ऑक्सीडेशन। चलो अब बताओ, कॉमन सेंस की बात है, इस वाले प्लेट पे नेगेटिव चार्ज है, हम क्या बोले, कैथोड पे चार्ज कौन सा बच्चे, कैथोड पे नेगेटिव चार्ज है, ये क्या करेगा, वाटर में जो पॉजिटिव पार्ट है उसको अट्रैक्ट करेगा,
बताना जल्दी से। कैथोड पे चार्ज है नेगेटिव, जब यहां पे नेगेटिव चार्ज है ये क्या करेगा बच्चे, वाटर में जो भी नेगेटिव पार्ट है, गलती बोल दिया, ये खुद नेगेटिव है, ये क्या करेगा वाटर में जो पॉजिटिव पार्ट है उसको अट्रैक्ट करेगा। अब बताओ वाटर में पॉजिटिव पार्ट क्या था, H प्लस, कहां से आया था H2SO4 से, कहां से आया था H2SO4 से, ये क्या करेगा जो एसिड से H प्लस आया वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और क्या फॉर्म कर देगा H2। मतलब कॉमन से सब इतना रखना, जब हम लोग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन करेंगे तो आप लोगों को कंप्लीट आइडिया आ जाएगा इन चीजों का। अब देखो बस इतना रखना, यहां पे चार्ज कौन सा है, प्लस चार्ज, H प्लस है, इलेक्ट्रॉन गेन किया, क्या गया हाइड्रोजन गैस फॉर्म किया, क्या फॉर्म किया हाइड्रोजन गैस। आप लोग चार्ज बैलेंस करना, चार्ज बैलेंस तो किसे करते हैं, यहां पे पहले एटम देन चार्ज, फर्स्ट ऑफ ऑल बैलेंस एटम देन फॉर बैलेंस ऑक्सीजन सॉरी चार्ज। H2 यहां भी क्या होगा 2, दैट इज 2H पॉजिटिव, टोटल कितना चार्ज है 2 पॉजिटिव, यहां क्या लिखेंगे 2 इलेक्ट्रॉन, क्या लिखेंगे 2 इलेक्ट्रॉन, इट मींस जो वाटर में H+ आयन था कहां से आया था एसिड से, वो दो इलेक्ट्रॉन गेन करके कैथोड पे H2 गैस बाहर निकाला, क्या बोले कैथोड पे क्या हुआ H2 गैस बाहर निकाला, जल्दी बोलो डाउट है, क्वेश्चन पूछता है ऑन इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, ऑन इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन व्हिच गैस इज इवॉल्वड एट कैथोड, ऑन इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन व्हिच गैस इवॉल्वड एट कैथोड, कौन सा गैस इवॉल्व हुआ है H2 गैस, दैट इज हाइड्रोजन, दैट इज हाइड्रोजन। अच्छा एनोड पे हम क्या बोले, एनोड पे क्या होगा ऑक्सीडेशन, एनोड पे क्या होगा ऑक्सीडेशन। अब देखो ऑक्सीडेशन में क्या बोले, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या बोले लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखो कैसे होगा रिएक्शन, हम क्या बोले वाटर एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है बच्चे, क्या बोले वाटर एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इट मींस अभी भी जो मेरे पास यहां पे एसिडिफाइड वाटर था उसमें अभी भी मोस्ट ऑफ द वाटर अभी आयनाइज नहीं करेगा, मोस्ट ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल अभी आयनाइज नहीं किया होगा, यदि मोस्ट ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल आयनाइज नहीं किया होगा तो वो ऑक्सीडाइज कर जाता है, वो क्या करता है ऑक्सीडाइज। अब देखो जब वाटर ऑक्सीडाइज करेगा, जब वाटर ऑक्सीडाइज करता है इट फॉर्म एच प्लस प्लस हाफ ओ टू प्लस टू इलेक्ट्रॉन, एच प्लस प्लस हाफ वाटर प्लस टू इलेक्ट्रॉन, एच प्लस प्लस हाफ वाटर प्लस टू इलेक्ट्रॉन। अब बच्चे देखो एक रिएक्शन कहां पे हुआ है, एक रिएक्शन कहां पे हुआ है बच्चे कैथोड पे, और एक कहां पे हुआ एनोड पे, देखो ना यदि आप इसको बैलेंस भी कर सकते हो ना तो यहां पे क्या लगाओगे टू, देखो तो ये भी बैलेंस है और आपको ये भी बैलेंस है, तो ये आपको ये लर्निंग कॉन्सेप्ट है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा, ये लर्निंग कॉन्सेप्ट है कि वाटर का ये क्या ऑक्सीडेशन, वाटर का ये क्या ऑक्सीडेशन, तो क्या बोले ऑन रिडक्शन इट गिव्स एच टू बट ऑन ऑक्सीडेशन इट गिव्स ऑक्सीजन, तो हम क्या बोले एनोड पे कौन सा गैस निकलेगा ओ टू गैस, एनोड पे कौन सा गैस निकलेगा ओ टू गैस, कौन सा गैस निकलेगा ओ टू गैस। यहां तक कुछ डाउट है आपको, कैथोड पे रिडक्शन, रिडक्शन मींस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज एच प्लस इलेक्ट्रॉन गेन किया एच टू बनाया, एनोड पे ऑक्सीडेशन दैट इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एच टू एच प्लस हाफ ओ टू प्लस टू इलेक्ट्रॉन, कीप इन माइंड जितने का लॉस उतने का गेन ताकि रिएक्शन बैलेंस हो, क्या बोले यहां पे गेन कितने इलेक्ट्रॉन का है दो इलेक्ट्रॉन का, यहां पे लॉस कितने इलेक्ट्रॉन का है दो इलेक्ट्रॉन का, लॉस और गेन मस्ट बी इक्वल फॉर ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन, फॉर ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन। यदि आप दोनों को ऐड करोगे, यदि आप दोनों को ऐड करोगे तो जो मेरे पास ओवरऑल रिएक्शन होगा, जो मेरे पास ओवरऑल रिएक्शन होगा बताओ क्या होगा, जो मेरे पास ओवरऑल रिएक्शन होगा बच्चे क्या बोलोगे ओवरऑल रिएक्शन, देखो ना मतलब हम दोनों को ऐड कर रहे हैं, हम क्या बोले दोनों को हम क्या कर रहे हैं ऐड कर रहे हैं, तो दोनों को आप ऐड करोगे देखो यहां पे क्या है इस साइड टू इलेक्ट्रॉन है, देखो ना यदि आपको डाउट हो रहा है बच्चे एक मिनट रुक जाओ हम इस चीज को ऊपर लिखते हैं, यहां लिख रहे हैं समझना ओवरऑल रिएक्शन, ओवरऑल रिएक्शन कैथोड पे क्या था एच टू एच प्लस टू इलेक्ट्रॉन कहां गया था H2, ये कैथोड पे था, एनोड पे क्या था H2O कहां गया था देखो तो 2H प्लस प्लस हाफ O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये जब दोनों को ऐड करोगे ना बच्चे
जब दोनों को आप ऐड करोगे तो टू एच प्लस कैंसिल हो गया, इक्वल टू क्या इस साइड, इक्वल टू क्या उस साइड, बराबर है। तो वो तो क्या बचा H2O, टू इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हुआ, तो वो तो क्या बना H2 प्लस हाफ O2। इट मीन्स जो रिएक्शन कैथोड पे हुआ और जो रिएक्शन एनोड पे हुआ, जब हम दोनों को कंबाइन किए तो मेरे पास जो इक्वेशन आया वो ये है, ये मेरे पास ओवरऑल रिएक्शन है। आप यहां पे देख पा रहे होंगे कि जो ये ओवरऑल रिएक्शन है, जो ये ओवरऑल रिएक्शन है, वहां भी आप देखोगे हाइड्रोजन के आगे वन है और ऑक्सीजन के आगे क्या है, हाफ लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? हाफ लगा हुआ है। इसका ये भी मतलब है कि जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन का डबल है, जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन का क्या है, डबल है। तो यहां पे क्या है, हाफ, यहां पे क्या है वन, तो वन हाफ का डबल ही है ना बच्चे, वन के हाफ का डबल है। इट मीन्स जब इलेक्ट्रोलाइसिस हुआ, तो जो गैस बन रहा है वो गैस क्या है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। जो हाइड्रोजन का वॉल्यूम है वो ऑक्सीजन के वॉल्यूम से डबल है, और जो हाइड्रोजन है वो कहां पे निकल रहा है, कैथोड पे, और जो ऑक्सीजन है वो कहां पे निकल रहा है, एनोड पे। इट मींस कैथोड पे जो वॉल्यूम कलेक्ट होगा वो डबल होगा एज कंपेयर टू द वॉल्यूम व्हिच इज कलेक्टेड एट एनोड, एज कंपेयर टू द वॉल्यूम व्हिच इज कलेक्टेड एट एनोड। ये आपका कंप्लीट इलेक्ट्रोलाइसिस है वाटर का। देखो क्वेश्चन क्या क्या पूछेगा, पहले इसको लिखो, देखिए हम लोग क्वेश्चन वाले पार्ट पे आ रहे हैं। क्वेश्चन क्या क्या बनेगा यहां से, फर्स्ट ऑफ ऑल आप डायग्राम बनाना। इलेक्ट्रोलाइट क्या है, एसिडिफाई वाटर है कि है ना, इलेक्ट्रोलाइट इसको बोलते हैं जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। रिडक्शन कहां हुआ, कैथोड पे। ऑक्सीडेशन कहां हुआ, एनोड पे। दोनों रिएक्शन को लिखना, देन हम ओवरऑल रिएक्शन लिखेंगे। मेरे पास ये ओवरऑल रिएक्शन है, ठीक है, यहां जल्दी लिखो, जल्दी करो यहां तक। देखना किसी के माइंड में एक ये चीज आएगा कि सर आप वहां लिखे थे ये रिएक्शन 2H2O gives us 2H2 plus O2, क्या फर्क पड़ता है, हम लोग बैलेंसिंग कर चुके हैं। जब हम लोग बैलेंसिंग कर चुके हैं, ठीक है, जब हम लोग बैलेंसिंग कर चुके हैं, इस तरह के नॉनसेंस क्वेश्चन माइंड में नहीं आना चाहिए, ठीक है। इसको 2 से मल्टीप्लाई करो आपको ये रिएक्शन मिलेगा, ये सब नॉनसेंस क्वेश्चन है। जब आप बैलेंसिंग पे आपको कमांड है, ये सब क्वेश्चन आपको माइंड में नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या बोले, किस किस टाइप के क्वेश्चन यहां पे आपको आएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको लिखा दिया कि एक गैस का वॉल्यूम दूसरे गैस के वॉल्यूम से क्या होता है, डबल होता है। किसका वॉल्यूम डबल है, हाइड्रोजन का, किससे, ऑक्सीजन से। तो जो गैस कलेक्ट हुआ, कैथोड, पे कौन सा गैस कलेक्ट हुआ था बच्चे, H2 गैस, और एनोड पे कौन सा गैस कलेक्ट हुआ था, O2 गैस। कौन सा गैस कलेक्ट हुआ था, कैथोड पे हाइड्रोजन गैस और एनोड पे ऑक्सीजन गैस। ये आपको सेकंड क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन आप लिख चुके हो। थर्ड क्वेश्चन जो यहां पे फ्रेम होता है ये है ना, ये क्वेश्चन ये है कि व्हाई वी एक्ट फ्यू ड्रॉप्स ऑफ H2SO4 इन वाटर। क्वेश्चन लिखो, व्हाई वी एड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर इन, सॉरी, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ H2SO4 इन वाटर, बोले क्यों। आप लोग इसका आंसर खुद लिख सकते हो, बच्चे लिख लोगे ना यार, समझ लो, लिखना खुद से। एक क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, हम बताए थे ना कि जो वाटर है, हम एक हिंट दे रहे हैं, ठीक है, वर्डिंग आप लोग खुद करना। हिंट हम ये दे रहे हैं कि जो वाटर है, वो क्या है, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। वाटर क्या है, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। इट मींस इसके पास इतना पावर नहीं है कि वो कंडक्टिविटी को इंक्रीज कर सके, दैट इज खुद आयनाइज कर सके। देयरफॉर जब हम फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड वहां पर डालते हैं तो ये क्या करता है, वाटर के आयनाइजेशन को इंक्रीज कर देता है।
ये क्या करता है, वाटर के आयनाइजेशन को इंक्रीज करता है। जब वाटर का आयनाइजेशन इंक्रीज करता है इट मींस उसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगी। तो देखो दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पॉइंट है इंक्रीज किसको, ये क्या करता है इंक्रीज आयनाइजेशन, मतलब आयंस में फॉर्म करने का टेंडेंसी इंक्रीज करता है। क्या बोले, आयंस में फॉर्म करने का टेंडेंसी इंक्रीज करता है। सेकेंड पॉइंट इंक्रीज कंडक्टिविटी, इंक्रीज कंडक्टिविटी मतलब कि वहां पे जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रहा है या जो वहां पे इलेक्ट्रोलाइसिस का जो है ना वो तो रेट है वो इंक्रीज करता है। वो क्या होता है इंक्रीज करता है। तो यहाँ पे टोटल ये तीन चार टाइप के आपको क्वेश्चन फ्रेम हो गए इन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। जितने भी आप लोग थर्मल डिकम्पोजिशन किए हो उसमें मोस्ट इंपोर्टेंट डिकम्पोजिशन आपको वाटर वाला है। डायग्राम इज मोस्ट इंपोर्टेंट, क्या था कैथोड, क्या था एनोड, क्या था बैटरी से डिस्कनेक्ट सॉरी कनेक्ट किए, इलेक्ट्रोलाइट क्या था, ड्रॉप्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड हम क्यों पुट किए, ठीक है कैथोड पे कौन सा गैस आया, एनोड पे कौन सा गैस आया, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, सारा कुछ आपको माइंड में होना चाहिए। इस पे ज्यादा प्रैक्टिस करो, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोग जल्द इस वाले पार्ट लिखो, देन हम लोग है ना कुछ बेसिक्स और भी देखते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। सेम आपको ऐसा है ना वाटर का वैसा ही होता है, जैसा डिकम्पोजिशन वाटर का है वैसा ही होता है।